हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की तरह पागलों की तरह भाग रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाया हुआ है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, अगर आपने एमबीबीएस क्लर्क या आपका एमबीबीएस क्लर्क का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का 12 दिसंबर को है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। आपको गलती नहीं करना जो 5 दिसंबर में फोर्थ शिफ्ट में लोगों ने किया था या 5 दिसंबर की सारे शिफ्ट में लोगों ने किया हुआ था। तो सबसे पहला चीज क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे 16 मिनट का डेडिकेटेड, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे और क्या गलतियां आप नहीं करेंगे। उस वीडियो को जाके अच्छे से देखिए और यहाँ पे भी थोड़ी सी कुछ चीजें और समझ लीजिए। सबसे जरूरी चीज क्या है आपका, क्या करना है आपको, आपको स्किप करके क्वेश्चन को करना है। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपका कोई भी सेक्शन या क्वेश्चन टफ आता है या थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है, देन आप उस क्वेश्चन पे क्या करेंगे, उसको स्किप करेंगे। मैंने बताया था बहुत बार, बहुत जोर दे के इस बात को बोला हुआ था और बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि ये चीज आपको करना है। अगर आप स्किप नहीं करोगे, अपने ईगो पर क्वेश्चन को लोगे, देन एग्जाम और सेक्शन आपको ईगो पर ले लेगा, और जब ये ऐसा होगा देन आपके अटेम्प्ट बहुत खराब हो जाएंगे और आपको एग्जाम बाहर का रास्ता दिखा देगा। क्योंकि मेंस जो देते हैं 10 to 15 या 20 टाइम देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, याद रख लेना ये बात, इससे ज्यादा मेंस नहीं देते हैं, इतने ही लोग देते हैं। जो बचे हुए आपके रहते हैं 90, 85 या 80% लोग प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या गलती करते हैं, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने क्वेश्चन को ईगो पर लेना शुरू कर दिया एग्जाम में जाकर, देन आपके अटेम्प्ट रिड्यूस हो जाते हैं और आप सोचते हो कि मेरे से कैसे ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्किप करना है। फोर्थ शिफ्ट में भी लोगों ने यही किया, क्वांट में क्वेश्चन डूएबल थे, आपके अराउंड 25 क्वेश्चन कर सकते थे अगर वो स्किप करके क्वेश्चन मिनिमम ये क्वेश्चन कर सकते थे। सबके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत 30 मार्क खान टाइप वाले लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो बहुत बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन स्किप करके किया होता, देन आप 25 अराउंड क्वेश्चन आप मैथ में आराम से करके आते। ठीक है, अगर आपके इससे कम अटेम्प्ट हुए हैं, देन आपने वही गलती किया है कि आपके जैसे डीआई में 2 क्वेश्चन आपके ट्रिकी हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गए। ठीक है, आपके जो आप सिंप्लीफिकेशन आपके थे, सिंप्लीफिकेशन अच्छा था आपका, कैलकुलेटिव था, फ्रैक्शंस में था, डेसिमल्स में था, देन उसमें फंस गए। आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहा है, अभी छोड़ दो, अभी नहीं हो रहा। अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं बचता, तब ये तुम बनाते हैं आराम से बैठ के ना, पहले तुम हो तो बना लो, जैसे इसमें से जो क्वेश्चन आसान तुम्हें लग रहा हो तो बना लो, जिसमें लग रहा है टाइम लग रहा है तो उसको बाद में करो, या स्पीड में करने की कोशिश करो जुनून के साथ पूरे। ठीक है, तो ये चीजें आपको, वो गलतियां नहीं करना जो गलतियां लोगों ने किया, कि आपको ये बस एक वर्ड इस बीच में मैंने ये वीडियो बनाया, आपको ये स्किप वर्ड याद रखना है। स्किप वर्ड अगर आपने याद रखा और वहां पर स्किप करके क्वेश्चंस को किया, दो ट्राई में किया, देन आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे 1 से 30 तक कोई भी सेक्शन की बात कर लेते हैं, 1 से 35 तक की बात करते हैं मैथ की। ठीक है, 1 से बात करते हैं मैथ की 35 क्वेश्चन तक, 1 से 35 तक पहले पूरे जाओ, गो थ्रू करो, और गो थ्रू करने में जो क्वेश्चन आपके इजी पिक रहे, इजी पिक आपको लगे कि ये मेरे कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है और आसान है, उनको पहले कर डालो। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि अगर उसमें कोई क्वेश्चन ट्रिकी दिख रहा है मुझे, कोई क्वेश्चन उसमें टफ दिख रहा है या मॉडरेट दिख रहा है, देन उसको मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, बाद में टाइम बचा 20 मिनट्स में से, देन उसको करेंगे। लेकिन पहले उनको तो करो जो इजी पिक है, जो तुरंत बन जाएंगे आपसे, तुरंत क्वेश्चन को करते ही बन जाएंगे। अब अगर तुम ईगो पे क्वेश्चन को वहां लोगे, नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं, मिक्सचर का क्वेश्चन, मिक्सचर में तो मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खान हूं, तो अगर मेरे से मिक्सचर का क्वेश्चन बन नहीं रहा है, देन उसको क्वेश्चन को ईगो पर लेकर अपना 2 मिनट बर्बाद में क्यों नहीं करूं, ऐसा सोच बिल्कुल मत सोचना, नहीं तो एग्जाम आपका कहेगा भाई तुम उस 80% में हो जो प्रीलिम्स में फेल होने वाले हैं। समझ में आया? तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जाम वो गलती करेगा जिसको आपको फिर से अटेम्प्ट देने पड़ेंगे अगले साल। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया और ये थंबनेल दिया था कि आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती लोगों ने यही किया था, क्वेश्चन को ईगो पर लिया, क्वेश्चन को स्किप नहीं किया। स्किप करना सीखे, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या कोई भी हो। अब पजल में क्या किया लोगों ने, मैंने बोला था कि आपके पजल्स कैसे आएंगे, कुछ पजल आपको मिलेंगे जो ट्रिकी टाइप के रहेंगे, 2-3 लाइन 4 लाइन की क्वेश्चन रहेगी, पजल रहेगी और आपको देखने में आसान लगेगा, लेकिन अगर उसमें फंस गए आप, देन आपका वो टाइम बर्बाद करेगी और उसी टाइम बर्बाद होने की वजह से आपका जो रीजनिंग का अटेम्प्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को यही जो आपका ट्रिकी पता लगता है तुरंत बन जाता है, तुरंत क्यों, क्योंकि उनके माइंड में तुरंत वो स्ट्राइक कर रहते हैं, जो वर्ड यहाँ पर कोई मिसिंग टाइप का एक अजीब तरह का वर्ड लिखा रहता है जो आप समझ नहीं पाते हो अच्छे से, इसी वजह पजल कह रहती है ट्रिकी बन जाती है, वो वर्ड तुरंत वो समझ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ईजी लगती है, 2 मिनट में बना के मार्क करके निकल लेते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत रहता है जो इसमें फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, अगर आपका एक ट्राई के बाद नहीं बना, आपको लगा कि नहीं बन रहा है, अभी छोड़ो उसको, बाद में जाओ बनाओ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर सकता हूँ 30-35 सेकंड, ये कॉमन सेंस का चीज है, 30-35 सेकंड में क्रॉस चेक कर सकता हूँ, देन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे 1-2 मिनट फिर से बनाना पड़ेगा पूरे पजल को, मत करना, बाद में ट्राई करना।
आगे जाके करो। और इसका इन सारे क्वेश्चंस का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है। प्रेशर अगर अपने ऊपर लोगे दिन आगे के जो भी क्वेश्चन सेक्शन रहेंगे वो खराब हो जाएंगे। इन सारे बातों को मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया उसको बहुत अच्छे से समझाया, उसको जाके देखिए अच्छे से, बताया पेपर को कैसे अटेंड करें, किस तरह से करेंगे। और ये गलतियां मत करना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि 12th को भी कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी मिल सकती है आपको जिसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेक्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैं बार बार आपको बताते रहता हूं, लेकिन आप लोग सुनते हैं पता नहीं क्या करते हो। ठीक है, चलो होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा जरूर हेल्प करेगी किसी न किसी को, और वो गलतियां आप नहीं करेंगे। अगर किसी एक भी इंसान ने वो गलतियां फिर से रिपीट नहीं किया और अपने आप पे कंट्रोल कर लिया और अच्छे से अटेंड कर लिया, देन वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। बस एक चीज बोलूंगा, मन लगे ना लगे तब भी पढ़ो मेरे दोस्त, ये जो हालात हैं एक दिन जरूर बदलेंगे मेरे दोस्त, और हालात बदलने के जिम्मेदार बस आप हैं, बस आप हैं, बस आप हैं। तो बदल दीजिए, उठिए, अपने हालात बदलिए और ये गलतियां मत करिएगा। स्किप गुरु मंत्र एक तरह से है, स्किप याद रखिए, स्किप करके क्वेश्चन करेंगे बहुत कुछ करके अच्छा आएंगे। ठीक है, चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।